हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें एचपीयू बीएड फोर्थ सेम के सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के एक टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रकृति एंड पुरुषा के बारे में, और बात करेंगे इसमें द रिलेशन विद ईच अदर इन सांख्या फिलॉसफी। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप सबकी वजह से ही चैनल ने 10,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं, और ये सब आपके सपोर्ट, आपके मोटिवेशन, आप सबके प्यार की वजह से ही हो पाया है, तो उसके लिए थैंक यू। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि फिलॉसफी हमने उतनी पढ़ी नहीं है बीएड में, लेकिन ये टॉपिक जो है वो फिलॉसफी से रिलेटेड है, इसीलिए बच्चों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं एक आपको इसका क्लियर कॉन्सेप्ट बता पाऊँ, और लास्ट में जैसे कि आपको पता ही है हम हमेशा समरी ज़रूर देखते हैं, क्योंकि उससे एक क्लियर मैप बन जाता है हमारे माइंड में। तो समरी में दूंगी आपको, जिससे आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, एक चॉकलेट समरी आपको मिलेगी इस वीडियो के लास्ट में। तो जैसे कि ये टॉपिक ही है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रकृति एंड पुरुषा एंड देयर रिलेशन विद ईच अदर इन सांख्या फिलॉसफी। तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फिलॉसफी क्या होती है, फिर उसके बाद सांख्या फिलॉसफी क्या होती है, फिर प्रकृति का क्या कॉन्सेप्ट है, पुरुष का क्या कॉन्सेप्ट है, इनका क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ, फिर उसके बाद आपको इस टॉपिक को कंक्लूड करना है। यानी कि अगर 16 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन लिखना पड़ता है, इनके साथ आपके पास कोई और चॉइस नहीं बचती है। हालांकि इसके अलावा जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो थोड़े सिंपल हैं, लेकिन अगर आपको यही अटेम्प्ट करना है तो इस तरीके से आप इसे 16 मार्क्स के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिलॉसफी के बारे में कि फिलॉसफी है क्या है, यानी कि दर्शन शास्त्र जिसे हम बोलते हैं। फिलॉसफी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी कि क्या हमारे आइडियाज हैं, क्या बिलीव्स हैं लाइफ के प्रति, उसको हम बोलते हैं फिलॉसफी। फिलॉसफी इज द वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का तरीका। जैसे हम बोलते हैं ना कि इसकी हर किसी की अपनी फिलॉसफी होती है, फिलॉसफी में कुछ भी गलत या सही नहीं होता है। मतलब मेरे जीने का तरीका अलग हो सकता है, मेरी फिलॉसफी अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है। तो फिलॉसफी क्या है, वे ऑफ लाइफ है, सर्च फॉर ट्रूथ एंड रियलिटी है। इट इज अ थियोरी और एटीट्यूड दैट एक्ट एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर बिहेवियर। जैसे मेरी फिलॉसफी है उसी तरीके से मैं बिहेव करूंगी, तो मेरी फिलॉसफी एक गाइडिंग प्रिंसिपल है कि मेरा बिहेवियर कैसा होगा। इट प्रोवाइड द पर्पस और एम ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन मेक्स इट प्रैक्टिकल। जैसे भी फिलॉसफी है वो एम प्रोवाइड करती है, और एजुकेशन उस चीज़ को क्या करती है, प्रैक्टिकल बनाती है। तो ये हमने थोड़ा सा फिलॉसफी के बारे में जाना कि फिलॉसफी क्या है, स्टडी ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स है, जिंदगी जीने का तरीका है, ट्रुथ के लिए सर्च है, गाइडिंग प्रिंसिपल है हमारे बिहेवियर के लिए, एम देती है हमारी लाइफ को, और एजुकेशन उसको प्रैक्टिकल बनाती है। फिलॉसफी की दो मेजर डिविजन्स हैं, इंडियन फिलॉसफी एंड वेस्टर्न फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी को हम षड् दर्शन भी बोलते हैं। दर्शन का मतलब यानी कि जो फिलॉसफी, जिसे हम इंग्लिश में फिलॉसफी बोलते हैं, हिंदी में उसे दर्शन बोल देते हैं, दर्शन शास्त्र जैसे बोलते हैं हम। ये जो वर्ड फिलॉसफी है ये कहाँ से डिराइव हुआ है, लेटिन वर्ड फिलोस जिसका मतलब होता है लव, एंड सोफिया जिसका मतलब होता है नॉलेज और विजडम, यानी कि फिलोस प्लस सोफिया जिसका मतलब हुआ लव फॉर नॉलेज और लव फॉर विजडम। और हिंदी में इसे दर्शन शास्त्र बोला जाता है। तो दर्शन वर्ड कहाँ से आया है, संस्कृत लैंग्वेज के दर्श वर्ड से आया है। दर्श मतलब टू सी, ऑब्जर्व और एनालाइज, यानी कि जब हम चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं। यानी कि दर्शन मीन्स टू नो अबाउट द सीक्रेट ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, कि क्या जिंदगी का सीक्रेट है, क्या वे ऑफ लाइफ है, यानी कि सर्च फॉर ट्रूथ एंड रियलिटी, उस चीज को ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना। और इंडियन फिलॉसफी में षड् दर्शन की बात करिए, यानी कि सिक्स ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स, ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स यानी कि जो वेदास की सुपरमेसी में मानते हैं, और कुछ अनऑर्थोडॉक्स हेटरोडॉक्स स्कूल है जो वेदास की सुपरमेसी में नहीं मानते। तो सांख्या स्कूल ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स में आता है जो कि वेदास की सुपरमेसी में मानते हैं। इस षड् दर्शन में कौन कौन से और स्कूल्स आते हैं, सांख्या, योगा फिलॉसफी, न्याय, विशिष्का, मीमांसा, वेदांता। तो हमें इसमें पढ़ना है सांख्या के बारे में। सांख्या फिलॉसफी ओल्डेस्ट इंडियन फिलॉसफी है। अब ओल्डेस्ट क्यों बोला गया है इसे, क्योंकि ये बहुत ही पौराणिक है। इसके जो रेफरेंसेस हैं, इसके जो विचार हैं, हमें भागवत गीता में देखने को मिलते हैं, हमें रामायण में देखने को मिलते हैं, महाभारत में,
श्रुति में, स्मृति में और भी जितने कुछ पुराने एंशियंट लिटरेरी क्रिएशंस हैं उनमें हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। यानी कि जो सांख्या के विचार हैं वो हमें इन सारे, मतलब जो हमारी बुक्स हैं या क्रिएशंस हैं उनमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए इसे ओल्डेस्ट इंडियन फिलॉसफी कहा जाता है। ऑर्थोडॉक्स स्कूल है ये। इसके फाउंडर है सेज कपिला, यानी कि महर्षि कपिल, जिन्होंने लिखे थे सांख्या सूत्र। इस सांख्या सूत्र में 6 चैप्टर्स थे एंड 526 सूत्रस थे, लेकिन किसी कारणवश ये नष्ट हो गए। तो ईश्वर कृष्णा ने इन्हीं के जो विचारधारा थी उनको जैसे इंटरप्रेट करते हैं ना अपने वर्ड्स में, तो सांख्या कारिका में ईश्वर कृष्णा ने इन्हीं की बातों को इंटरप्रेट किया था अपने तरीके से। तो इसीलिए ये दोनों स्क्रिप्ट आपको पता होनी चाहिए कि सेज कपिला द्वारा लिखे गए थे सांख्या सूत्र और ईश्वर कृष्णा जी द्वारा लिखे गए थे सांख्या कारिका। सांख्या फिलॉसफी कंबाइंस द बेसिक डॉक्ट्रिन्स ऑफ सांख्या एंड योगा, एंड द सांख्या रिप्रेजेंट द थियोरी एंड योगा रिप्रेजेंट द एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल आस्पेक्ट। सांख्या फिलॉसफी में सांख्या और योगा दोनों के डॉक्ट्रिन्स को कंबाइन किया जाता है। सांख्या जो है थियोरी पार्ट है और योगा उसी चीज का प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है, यानी कि प्रैक्टिकल पार्ट है, एप्लीकेशन पार्ट है। फिर बात आती है ये सांख्या वर्ड आया कहाँ से और इसे सांख्या फिलोसफी ही क्यों कहा गया। सो द मीनिंग ऑफ वर्ड सांख्या इज बेस्ड अपॉन द संस्कृत एंड इट मीन्स नंबर। संस्कृत में वर्ड होता है ना संख्या, जिसका मतलब होता है नंबर, तो वहां से ये वर्ड आया है। इसके अलावा कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि संग मतलब होता है, जैसे संख्या है ना, ये संग मतलब होता है राइट और ख्या मतलब होता है नॉलेज, यानी कि राइट नॉलेज। इसीलिए संख्या का मतलब और क्या है, राइट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज, ऐसी नॉलेज जो हमें मोक्ष प्राप्त करने में हेल्प करे, मदद करे। इसीलिए इसे सिस्टम ऑफ परफेक्ट नॉलेज भी कहा जाता है। एक और धारणा इसके पीछे है कि इसे नंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 25 इवोल्यूट्स की बात करी गई है, 25 तत्वों यानी कि 25 एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। तो उसके बेसिस पर ही भी इसे सांख्या फिलोसफी कहा जाता है। यानी कि तीन बातें होगी, एक तो संस्कृत वर्ड संख्या यानी कि नंबर उसके बेसिस पर, और दूसरा हो गया कि संग मतलब राइट, ख्या मतलब नॉलेज, तो उसके बेसिस पर इसे राइट नॉलेज या परफेक्ट नॉलेज भी कहा जाता है। और इसमें 25 इवोल्यूट्स की बात करी गई है, 25 तत्वों की बात करी गई है, इसीलिए इसे सांख्या फिलॉसफी कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें बात आती है कि ये ड्यूलिज्म फिलॉसफी है, यानी कि द्वैतवाद में मानती है। जैसे कि फिलॉसफी कुछ होती है मोनिस्टिक होती है, कुछ ड्यूलिज्म होती है, कुछ प्लूरलिज्म होती है, यानी कि अलग अलग चीजों में मानते हैं, कोई एक ही तत्व को मानते हैं, कोई दो चीजों को मानते हैं। तो ये सांख्या फिलॉसफी जो है वो द्वैतवाद में मानती है, यानी कि दो चीजों को मानती है ये। इनका कहना है कि दो ही अल्टीमेट रियलिटीज है, उन्हीं से दुनिया बनी है। अब यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट आता है जो कि प्रकृति एंड पुरुषा का है। तो ड्यूलिज्म फिलॉसफी है ये क्या कहती है, टू अल्टीमेट रियलिटीज है, प्रकृति जो कि मैटर है और पुरुष यानी कि जो सेल्फ है, स्पिरिट है। पुरुष जिसको बाकी फिलॉसफीज में आत्मा कहा गया है, सांख्या फिलॉसफी में उस चीज को पुरुषा यानी कि पुरुष कहा गया है जो कि स्पिरिट है। सांख्या क्या है, रियलिज्म है, क्योंकि ये मैटर और स्पिरिट दोनों को इक्वली रियल मानती है, कि पुरुष और प्रकृति दोनों के हैं इक्वली रियल हैं, इसीलिए इसे ड्यूअलिज्म फिलॉसफी कहा जाता है, यानी कि द्वैतवाद का सिद्धांत है इसमें। और ऐसा माना जाता है कि मेन एम लाइफ का यही है कि हमें नॉलेज हो, परफेक्ट नॉलेज भी इसीलिए कहा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन पुरुषा एंड प्रकृति हमें पता हो, कि पुरुषा प्रकृति से किस प्रकार से भिन्न है और इक्वली रियल मानते हैं। इसीलिए सांख्या फिलॉसफी को रियलिस्टिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी भी कहा जाता है। जैसे कि वेदांता क्या थी, आइडियलिस्टिक थी, और सांख्या क्या है, रियलिस्टिक है। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रकृति के बारे में, कि प्रकृति क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, प्रकृति किसे बोला जाता है। सो प्रकृति मीन्स नेचर और मैटर, यानी कि मैटर को ही प्रकृति बोला जाता है। प्रकृति शब्द जो है वो दो शब्दों के मिलन से बना है, प्र जिसका मतलब होता है पूर्व यानी कि प्राइम, और कृति यानी कि जिसका मतलब होता है किया हुआ, मतलब डन। तो प्रकृति वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, प्राइमरली डन। सो प्रकृति इज द प्रिमिटिव सब्सटेंस बिहाइंड द वर्ड एंड इट इज द मटेरियल कॉज ऑफ द वर्ड। यानी कि प्रकृति क्या है, प्राइमरली डन है, प्रिमिटिव सब्सटेंस है, जो पहले से ही है, क्योंकि प्रकृति सृष्टि की रचना से पहले की बनी हुई है ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए क्या है, मटेरियल कॉज है,
जितने भी ग्रॉस इन सटल ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी यानी कि सूक्ष्म चीजें हैं, सब क्या है, किससे बनी हुई है, प्रकृति से ही बनी हुई है। ये आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब प्रकृति और पुरुषा में हम डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि जो ग्रॉस यानी कि स्थूल जैसे रिवर, ट्रीज, माउंटेन्स, आकाश, जितने भी सटल सूक्ष्म चीजें हैं जैसे कि माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो, ये सारे किससे बने हैं, प्रकृति से ही बने हैं। मटीरियल कॉज है ये मेन इसमें टर्म है कि प्रकृति इज द मटीरियल कॉज ऑफ द वर्ल्ड। जितनी भी चीजें बनी है पूरी सृष्टि की रचना से पहले ही प्रकृति बनी हुई है, इस प्रकृति की मदद से ही ये सारी चीजें आगे बनी हैं। प्रकृति इज इटर्नल, अनकॉन्शियस एंड एक्टिव। नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रकृति क्या है, इटर्नल है, शाश्वत है, सत्य है, लेकिन अनकॉन्शियस है, अचेतन है, एक्टिव है, गति करती है। इसीलिए प्रकृति को मोशन भी कहा जाता है, शक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि निरंतर गति करती रहती है, कभी रुकती नहीं है। ये जो चीजें हैं हमारे आसपास, रिवर्स, ट्रीज, माउंटेन्स, ऐसा नहीं है कि ये कभी रुक जाते हैं, कुछ ना कुछ इनमें चेंज निरंतर चलता रहता है, तो वो क्या है, प्रकृति है। इसीलिए इसे मोशन कहा जाता है, ब्रह्मा भी कहा जाता है, इसे प्रकृति को ब्रह्म भी कहते हैं, क्योंकि ये क्रिएट कर रही है, शक्ति है ये, इसका निरंतर विकास होता रहता है। जितनी भी हमारी बुद्धि, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, सब प्रकृति से बनी है। इसीलिए प्रकृति को अलग अलग नामों से जाना जाता है, प्रकृति को प्रधान कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है, क्योंकि मोशन करे जा रही है, एक्टिव है हमेशा ही, अव्यक्त कहा जाता है, क्योंकि सारी चीजें इसी से बनी है, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। जड़ कहा जाता है यानी कि इनर्ट कहा जाता है, क्योंकि भौतिक पदार्थों से बनी हुई है, फिजिकल एलिमेंट से बनी हुई है ये। तो ये सारी कुछ बातें हैं प्रकृति के बारे में। फीमेल एस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन है, ये तो नाम से ही पता चला, प्रकृति, तो इसको फीमेल एस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन भी बोल देते हैं। इसके अलावा क्या है कि इट इज अफेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द पुरुषा। प्रकृति खुद मतलब कुछ नहीं करती, लेकिन अफेक्ट होती है, किससे, पुरुषा से इफेक्ट होती है ये। खुद शाश्वत है यानी कि कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है, अनकॉन्शियस है, लेकिन जब पुरुषा के कांटेक्ट में आती है तो इस पर इफेक्ट पड़ता है। तो सो इट इज अफेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय पुरुषा, इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बट इट प्रोड्यूसेस। अब ये पॉइंट समझने वाला है कि ये प्रोड्यूस नहीं होती है, प्रकृति सबका कारण है, लेकिन उसका कोई कारण नहीं है, प्रकृति आ कारण है। विश्व की जितनी भी चीजें हैं सब प्रकृति से मिलकर ही बनी है, जो भी ये पेड़ पौधे इंसान, सब जानवर, पशु पक्षी, सब इससे मिलकर बने हैं, लेकिन इसका कोई कॉज नहीं है। इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बट इट प्रोड्यूसेस, यानी प्रकृति सबका कारण है लेकिन प्रकृति का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा प्रकृति जो है तीन गुणों के कॉम्बिनेशन से बनी है, यानी कि तीन चीजों से मिलकर बनी है, और वो तीन गुण कौन कौन से हैं, सत्व, रजस एंड तमस। ये तीनों गुण क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, लेकिन जब प्रकृति पुरुष के कांटेक्ट में आती है तब इन तीनों गुणों में डिस इक्विलिब्रियम आ जाता है। इसीलिए प्रकृति को त्रिगुणात्मक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें तीन गुण होते हैं। तो वो तीन गुण के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या है, सत्व। सत्व गुण क्या होता है, ज्ञान का प्रतीक होता है, यानी कि जिसमें जो कि हैप्पीनेस से कंसर्न हो, ईगो, माइंड एंड इंटेलिजेंस से कंसर्न हो। अब यहाँ पर ईगो वर्ड का मतलब एटीट्यूड वाला ईगो या अहंकार वाला ईगो नहीं है, यहाँ पे ईगो का मतलब है सेल्फ आइडेंटिटी, यानी जिसमें सत्व गुण होता है, ज्ञान का प्रतीक होता है, उसे खुद के बारे में पता होता है, उसे पता है अपने माइंड को, अपनी इंटेलिजेंस को किस तरीके से यूज करना है। ये प्रिंसिपल ऑफ गुडनेस है, जिसमें खुशी मिलती है, संतोष मिलता है, प्लेजर मिलता है, ब्लिस मिलती है, यानी कि जो हैप्पीनेस से कंसर्न्ड होता है, ज्ञान का प्रतीक ये सत्व गुण जो होता है। और सत्व गुण का रंग सफेद होता है, व्हाइट कलर होता है, तभी जब भी कहीं प्योरिटी की बात होती है तो व्हाइट कलर प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है, सत्व माना जाता है, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट इज, और इसीलिए मतलब जितने भी हमारी खुशी से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी सत्व में आती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा एक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में रहते हैं, जो साधु संत होते हैं कुछ, यानी कि जो एक्चुअल में साधु संत होते हैं वो तो सत्व की स्टेट में रहते हैं, यानी कि वो ज्ञान उन्हें हो चुका है असली, तो वो हमेशा एक ब्लिस के स्टेट में रहते हैं, संतोष के स्टेट में रहते हैं। नेक्स्ट इज रजस। रजस गुण क्या है, कंसर्न विद एक्शन और प्रिंसिपल ऑफ मोशन, यानी कि जो उत्साहित करे, जो कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित करे। इसमें आती हैं क्वालिटीज जैसे डायनामिज्म, एक्टिविटी, एक्साइटेशन, पेन, यानी कि कुछ ना कुछ करते रहना,
जो कभी एक ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कभी दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। डायनामिज्म रहता है उनमें, स्टैटिक कभी नहीं होते, वो चंचल होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कभी ऐसे एक जगह टिक के नहीं बैठ पाते, कभी उनके दिमाग में कुछ आता है, कभी कुछ आता है, कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं चीजों को लेके, कभी बहुत ज्यादा ऐसे पेन में चले जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तो ऐसे लोगों में रजस गुण की प्रधानता होती है, जिसमें जो भी गुण प्रधान होता है उस हिसाब से उसकी पर्सनालिटी बन जाती है। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, तो उनमें यानी कि रजस गुण बहुत ज्यादा है, स्टेबिलिटी की थोड़ी कमी होती है इनमें, स्टेबल नहीं होते हैं ऐसे लोग। और रजस गुण का रंग जो होता है वो लाल होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लाल रंग जो है वो एक चंचलता का प्रतीक होता है। नेक्स्ट इज तमस। तमस क्या है? अपोजिट है सत्व से, अज्ञानता का प्रतीक है, क्योंकि सत्व मैंने क्या बताया था आपको, ज्ञान का प्रतीक है, कंसर्न्ड विद हैप्पीनेस। वेरियस तमस क्या है? ब्लॉक करता है नॉलेज की अटेनमेंट को, अज्ञानता का प्रतीक है, डार्कनेस, नेगेटिविटी, लेजीनेस, ड्राउजीनेस, ये सारी चीजें, हैवीनेस, ये सारी चीजें तमस है। और इसको किससे डिनोट किया जाता है? ब्लैक कलर से। यानी कि अगर कोई लेजी है, कुछ करता नहीं है, हमेशा नेगेटिविटी की बात करता है, और मतलब एक्टिव नहीं है उतना, तो उसमें तमस गुण की प्रधानता है। यानी कि प्रकृति तीन गुणों के कॉम्बिनेशन से बनी है, सत्व, रजस और तमस। ये तीनों गुण इक्विलिब्रियम में होते हैं प्रकृति में, लेकिन जब वो पुरुष के कांटेक्ट में आती है तो इन गुणों में डिसइक्विलिब्रियम होता है, जिसकी वजह से इंसान की पर्सनालिटी बनती है। ऐसा माना जाता है कि सत्व और तमस जो है वो इंडिविजुअली पैसिव है, क्योंकि सत्व क्या है? ज्ञान का प्रतीक है, तमस क्या है? अज्ञानता का प्रतीक है। लेकिन वो एक्टिव तभी होते हैं जब रजस के कांटेक्ट में होते हैं। रजस क्या है? मोशन। अब अगर हम सत्व की तरफ ज्यादा मोशन कर रहे हैं तो सत्व गुण ज्यादा आ जाएंगे, अगर हम तमस की तरफ ज्यादा मोशन करें यानी कि नेगेटिविटी, बुरी बातों में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो तमस गुण आना शुरू हो जाएंगे। यानी कि हर गुण क्या है? दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। तो ये तो जाना हमने प्रकृति के बारे में, अब हम बात करेंगे पुरुष के बारे में, पुरुषा के बारे में। अब ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई, बाकी फिलॉसफीज में जिस चीज को आत्मा बोला गया है, सांख्या फिलॉसफी में उसी चीज को पुरुष बोला गया है। तो पुरुष क्या है? सोल है। आत्मा को ही पुरुष कहा जाता है, सेल्फ है, स्पिरिट है। जैसे प्रकृति क्या थी? मटेरियलिस्टिक कॉज ऑफ वर्ल्ड थी। पुरुष क्या है? असेंशियल कॉज है, इटर्नल है, ये भी शाश्वत है, प्योर है, कॉन्शियस है, यानी कि चेतन है। प्रकृति भी इटर्नल थी लेकिन अनकॉन्शियस थी, अचेतन थी, लेकिन पुरुष क्या है? चेतन है। और क्या फर्क था? प्रकृति क्या थी? एक्टिव थी। पुरुष क्या है? इनएक्टिव है, पैसिव है, उसकी खुद की कुछ इच्छा नहीं है, इट लैक्स विल एंड डिटर्मिनेशन। जैसे आत्मा जो है वो खुद कुछ नहीं करती है, जब वो प्रकृति के कांटेक्ट में आती है तभी उसकी इच्छाएं जागृत होती हैं। और कॉन्शियस किस चीज, किस तरीके से है? यानी कि भले ही वो सोया हुआ हो या फिर गहरी नींद में हो या फिर जागा हुआ हो, चेतना रहती है कि हाँ कोई चीज है, एक अलौकिक चेतना जिसे हम बोलते हैं वो रहती है। तो ये पुरुषा की क्वालिटीज हैं, क्योंकि हम किसी भी स्टेट में हो, आत्मा तो है ना, इसका डिनायल पॉसिबल ही नहीं है। तो आत्मा होती है और इसका जो एग्जिस्टेंस है वो डाउटलेस है, ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि हम डिनाई नहीं कर सकते कि पुरुषा नहीं है। नेक्स्ट इज, इट इज नॉट अ कॉज ऑफ दिस वर्ल्ड। ये एजेंट नहीं है, क्योंकि इसमें विल और डिटर्मिनेशन नहीं है, ये पाप पुण्य से परे है, कॉज नहीं है, कारण नहीं है। जैसे प्रकृति क्या थी? मटीरियल कॉज थी ना, ये कारण नहीं है। इट इज नाइदर प्रोड्यूस्ड नॉर डज इट प्रोड्यूसेस। प्रकृति में क्या था? वो प्रोड्यूस नहीं हुई थी लेकिन प्रोड्यूस करती थी, सारी चीजें उससे मिलकर बनी थी। लेकिन पुरुषा के केस में ना ही तो ये प्रोड्यूस होता है ना ही कुछ प्रोड्यूस करता है, यानी कि फ्री फ्रॉम कॉज एंड इफेक्ट। कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन किस में नहीं है, यानी कि कौन फ्री फ्रॉम कॉज एंड इफेक्ट है, प्रकृति या पुरुषा? तो वो पुरुषा है, फ्री फ्रॉम कॉज एंड इफेक्ट है, ना ही तो ये कॉज करता है कुछ। इट इज नाइदर द कॉज ऑफ एनी इफेक्ट नॉर इट इज द इफेक्ट ऑफ एनी कॉज। यानी कि ना ही तो कुछ कॉज कर रहा है ना ही कुछ इफेक्ट है इसका, फ्री है कॉज और इफेक्ट से। नेक्स्ट इज, इट इज अ सुप्रीम स्पिरिट एंड मेल आस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन। जैसे कि प्रकृति क्या थी? फीमेल आस्पेक्ट थी, ये क्या है? मेल आस्पेक्ट है और निर्गुण है, इसमें कोई गुण नहीं है, आत्मा में कोई गुण नहीं है। जैसे प्रकृति में तीन गुण थे, त्रिगुणात्मक हमने उसे बोला था, सत्व, रजस एंड तमस, लेकिन पुरुष में कोई गुण नहीं है, निर्गुण है ये।
पुरुष सिर्फ सीयर है, नोअर है, इट कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। पुरुष क्या है, सिर्फ ज्ञाता है, वो चीजों को सिर्फ देखता है लेकिन खुद कुछ नहीं करता है, खुद कभी वो ज्ञान का विषय नहीं बनता है। ठीक है, प्रकृति के जब कांटेक्ट में आएगा तब वो चीजें वहां से जानेगा, खुद कुछ नहीं करेगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे पुरुषा के बारे में। अब अगर आपको इनके इस कंटेंट इंक्रीज करना या और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो क्या है कि पुरुष कुछ और पॉइंट्स लिख सकते हैं कि पुरुषा इज कंसीडर्ड डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। आत्मा जो है वो शरीर से कैसे भिन्न है कि बॉडी जो है वो मटेरियल है, यानी कि तत्वों से मिलकर बनी है, लेकिन पुरुषा क्या है, नॉन मटेरियल है। पुरुषा इंटेलेक्ट एंड ईगो से भी डिफरेंट है, यानी कि बुद्धि और अहंकार से भी अलग है, क्योंकि पुरुषा क्या है, कॉन्शियस है, इसमें कॉन्शियसनेस है। लेकिन ये दोनों चीजें किससे बनती है, प्रकृति से बनती है ना, और प्रकृति क्या है, अनकॉन्शियस है। तो पुरुष इन्हें कॉन्शियस करता है बाद में, कॉन्टेक्ट में आने के बाद। पुरुष इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम सेंसेस, अब ये ज्ञान इंद्रिया वगैरह से भी अलग है, सेंसेस से भी अलग है, क्योंकि सेंसेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे कोई स्मेल आ रही है या कुछ है तो वो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, किसी चीज को टच कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन आत्मा को कोई टच नहीं कर सकता, वो बियॉन्ड एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए ये इन सब चीजों से अलग है, और क्या है, सुप्रीम स्पिरिट है, इटर्नल है, प्योर है, कॉन्शियस है और इनएक्टिव है, और इसके अलावा क्या है, कॉज और इफेक्ट से परे है, फ्री फ्रॉम कॉज एंड इफेक्ट है, और चीजों का नोअर है लेकिन सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज नहीं है। तो ये हमने जाना कि पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, अब हमें जानना है इसमें रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन प्रकृति एंड पुरुष, कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो सांख्या फिलॉसफी क्या कहती है, जो वर्ड है अकॉर्डिंग टू सांख्या फिलॉसफी, द वर्ड इज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द यूनियन बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति, यानी कि ये जो संसार बना है ये कैसे बना है, पुरुष और प्रकृति के मिलन से बना है। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग भी हैं, लेकिन ये जो संसार है, ये जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, वो पुरुष और प्रकृति के मिलन से हुआ है। व्हेन दिस कॉन्जुगेशन बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति टेक प्लेस, अर्लियर होमोजीनियस स्टेट ऑफ प्रकृति चेंजेस इनटू हेटरोजीनियस स्टेट। प्रकृति क्या थी, होमोजीनियस स्टेट में थी, एक है, इसीलिए जो पुरुष है वो उसे प्लूरल माना जाता है और प्रकृति को सिंगुलर माना जाता है। प्रकृति एक है, वो होमोजीनियस स्टेट में होती है, आत्माएं क्या अलग अलग होती है ना, तो इसीलिए उसे प्लूरल माना जाता है। तो वो जब अलग अलग आत्माओं के कॉन्टेक्ट में आती है तो हेट्रोजीनियस स्टेट में चली जाती है, और इसी कंजंक्शंस को गुणाक शोभ बोला जाता है, और इस गुणाक शोभ यानी कि इस मिलन से ही क्रिएशन होती है, जिसे हम इवोल्यूशन बोलते हैं, यानी कि सांख्या फिलॉसफी विकासवाद का सिद्धांत मानती है। इसमें क्या बोला गया, टोटल 25 इवोल्यूट्स हैं सांख्या फिलॉसफी में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था 25 तत्व, तो उन्हीं 25 तत्वों की ये बात करती है। तो वो 25 तत्व कैसे बनते हैं, जब पुरुष और प्रकृति कॉन्टेक्ट में आते हैं, दो रियालिटीज हैं पुरुषा एंड प्रकृति, ड्यूअलिज्म फिलॉसफी है, ये चीज पहले ही मैंने बोल दी थी। तो क्या इवोल्यूशन है, यानी कि विकासवाद की धारणा है इसमें, कि संसार विकसित हुआ है। मेन चीज इन्होंने एक और बोली थी कि भगवान ने नहीं बनाया है, जैसे कुछ स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में कहा जाता है कि ये सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है। सांख्या फिलॉसफी भगवान में नहीं मानती है, ये वेदास में मानती है, और इनका मानना है कि जो सृष्टि का निर्माण हुआ है वो दो चीजों के मिलन से हुआ है, पुरुष और प्रकृति। विकासवाद की इनकी धारणा है कि प्रकृति विकसित हुई है, प्रकृति से ही विकसित हुआ है ये सारा कुछ, प्रकृति और पुरुष जो है उनके संयोग से अन्य 23 तत्वों का निर्माण होता है, यानी कि जो बाकी के 23 हैं, और ये सारे मिलके कि 23 बाकी हो गए और एक पुरुष और एक प्रकृति, तो ये क्या हो गए, 25, यानी कि ये जो 25 तत्व हैं इन्हीं से मिलकर सृष्टि की रचना हुई है। तो एक तत्व हो गया पुरुष, जो कि चेतन है और इनएक्टिव है और कॉन्शियस है, और दूसरा तत्व है प्रकृति, जो कि अनकॉन्शियस है और एक्टिव है, और प्रकृति से ही फर्दर चीजें बनी है, बोला है ना कि ये प्रकृति फर्दर प्रोड्यूस करती है। महत आता है, जो कि फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन है, कभी कभी एमसीक्यूज में अगर कभी क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से भी आता है कि फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन क्या है सांख्या फिलोसफी में, तो महत है, जिसे हम बुद्धि या इंटेलेक्ट कहते हैं, इंट्यूशन, कग्निशन, अवेकेंड इंटेलिजेंस है, लेकिन कॉन्शियस नहीं है ये।
फिर आता है अहंकार, जो कि सेकंड प्रोडक्ट है इवोल्यूशन का, जो ईगो यानी कि सेल्फ आइडेंटिटी है। यहां पर अहंकार का मतलब है ईगो, यानी कि खुद को पहचानना। जब प्रकृति पुरुष के कांटेक्ट में आती है तो वो खुद को पहचानती है। फिर अहंकार से ही फर्दर तीन गुण जो हमने बात करी थी कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सत्व रजस एंड तमस। सत्व में आते हैं मन, मनस और माइंड, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां। मनस क्या होता है? लोअर माइंड होता है। जैसे महत क्या है? हायर माइंड है। मनस लोअर माइंड है, फिजिकल माइंड है। पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, जिसे जनेन्द्रियां या इंद्रियां ऑफ कग्निशन भी बोला जाता है, जिसमें आते हैं आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन। पांच ही कर्म इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां यानी कि जिन्हें इंद्रियां ऑफ एक्शंस बोला जाता है, जिससे हम कर्म कर रहे हैं, जैसे माउथ, हैंड, फीट, ऑर्गन ऑफ जनरेशन हो गए जैसे सेक्स ऑर्गन्स, ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन हो गए जैसे एनस, तो ये कर्म इंद्रियाज में आते हैं। तमस में भी पांच पांच तन्मात्राज हैं और इन्हीं से महाभूताज बने हैं आगे। तन्मात्राज यानी कि सटल एलिमेंट्स, जिसे हम एनर्जी पोटेंशियल्स भी कहते हैं, जैसे साउंड यानी कि शब्द, टच, स्पर्श, फॉर्म, रूप, फ्लेवर यानी कि टेस्ट या रस बोलते हैं, जैसे स्मेल यानी कि गंध। और इन्हीं से पांच महाभूताज बने हैं, ईथर यानी स्पेस, आकाश, एयर, वायु, फायर यानी अग्नि, वाटर यानी जल, पृथ्वी यानी कि अर्थ। जैसे बोलते हैं ना, पांच तत्वों से मिलकर बने हैं, ये वही पांच महाभूताज हैं। तो ये याद करना थोड़ा सा भले ही मुश्किल हो सकता है आपके लिए, लेकिन अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना तो उतना मुश्किल भी नहीं है। सीधी सिंपल सी बात है कि 25 तत्व हैं, एक पुरुष हो गया और एक प्रकृति, और बाकी 23 प्रकृति से बने हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट क्या है? महत है। फिर दूसरा क्या है? अहंकार है। अहंकार फर्दर तीन में डिवाइड है, सत्व रजस एंड तमस। सत्व से मनस है और ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रियाज बनती हैं, और तमस से तन्मात्राज और महाभूताज बनते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि सत्व और तमस जो हैं वो पैसिव होते हैं, रजस की वजह से मतलब क्वालिटीज आती हैं। तो ज्ञान इंद्रियाज भी हमें दिमाग में ही रहती हैं कि किन किन से हम ज्ञान लेते हैं, कर्म इंद्रियाज किससे काम कर रहे हैं, तो वो भी पांच दिमाग में रह सकती हैं। यानी पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं, तन्मात्राज भी पांच याद रहेंगे, और उन्हीं से महाभूताज, ये तो पांच हमें पता ही होते हैं, तो ये तो आसानी से याद हो ही सकते हैं। और तीन नाम याद करने तो कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं, कि महत, अहंकार और मनस। तो टोटल मिला के कितने हो गए? ये 25 हो गए, यानी कि 25 तत्व, 25 इवोल्यूट्स। तो इसके बाद इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे कि कंक्लूजन क्या है, कि लिब्रेशन जो है फाइनल गोल है। सांख्या फिलॉसफी क्या कहती है कि सबसे पहले तो पुरुष और प्रकृति की नॉलेज हो इंसान को, ये मेन एम है लाइफ का। फिर उसके बाद लिब्रेशन यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। लिब्रेशन इज द फाइनल गोल एंड डेस्टिनेशन ऑफ ह्यूमन, कि इंसान की असली गोल, असली डेस्टिनेशन, असली मंजिल क्या है, कि मोक्ष की प्राप्ति हो। और जब इंसान वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, तब पुरुष और प्रकृति का जो रिलेशन है वो खत्म हो जाता है। जो पुरुष है वो प्रकृति की चीजों में उलझा हुआ है, प्रकृति ही उसे रास्ता दिखाती है। यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो पुरुष है वो एक अंधा व्यक्ति है, वो उसको क्या है, प्रकृति रास्ता दिखाती है, खुद नहीं चलती है पर रास्ता दिखाती है। और पुरुष जो है वो उस रास्ते को मतलब उस प्रकृति द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचता है, और मंजिल क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। और जब उसे वो मंजिल मिल जाती है तब प्रकृति उससे अलग हो जाती है, यानी कि तब उनका रिश्ता खत्म हो जाता है। मतलब कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि ये संसार कैसे बना, प्रकृति और पुरुष के मिलन से। ठीक है, फिर प्रकृति ने क्या किया, पुरुष को रास्ता दिखाया कि मोक्ष प्राप्त करने का क्या रास्ता है। फिर जब अपनी मंजिल तक पहुंच गया ना पुरुष, तो अब जिसने रास्ता दिखाया होता है उसका काम तो वहीं खत्म हो जाता है। तो वहां पर क्या है, रिश्ता खत्म हो जाता है, यानी कि जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो पुरुष और प्रकृति के बीच का जो रिश्ता है वो खत्म हो जाता है और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। किससे किससे मोक्ष चाहिए? जन्म मरण के चक्कर से, बर्थ, लाइफ, डेथ, रीबर्थ, इस साइकिल से जो है वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो अब फटाफट से टॉपिक को समराइज करेंगे कि हमने क्या पढ़ा, किस तरीके से आप इस आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी कि फिलॉसफी क्या है, स्टडीज ऑफ आइडियाज एंड बिलीव, सर्च फॉर ट्रूथ एंड रियलिटी, वे ऑफ लाइफ। दो मेजर डिविजन्स हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी एंड इंडियन फिलॉसफी। वेस्टर्न फिलॉसफी मतलब फिलॉसफी जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, दो वर्ड से मिलकर बना है, फिलॉस प्लस सोफिया, जिसका मतलब होता है लव, और सोफिया मतलब होता है नॉलेज और विजडम, यानी कि लव फॉर नॉलेज और लव फॉर विजडम।
इंडियन फिलॉसफी को दर्शन शास्त्र कहा जाता है। तो दर्शन वर्ड कहाँ से आया है? दर्श वर्ड से, जिसका मतलब होता है टू सी, ऑब्जर्व और एनालाइज। इंडियन फिलॉसफी में हम षड़ दर्शन की बात करते हैं, यानी कि सिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी हैं, ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं, जो कि वेदास की सुपरमेसी में मानते हैं। तो उसमें कौन कौन से स्कूल है? सांख्या स्कूल, योगा, न्याय, विशिष्टा, मीमांसा एंड वेदांता। सांख्या फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो ओल्डेस्ट है, सेज कपिला इसके प्रोपोनेंट हैं। इन्होंने सांख्या सूत्र दिए थे, जिसमें 6 चैप्टर्स और 526 सूत्रास थे। ईश्वर कृष्णा जी द्वारा सांख्या कारिका लिखी गई है। सांख्या वर्ड का मतलब होता है संख्या, संस्कृत वर्ड संख्या से लिया गया, जिसका मतलब होता है नंबर। और इसे परफेक्ट नॉलेज भी कहा जाता है, क्योंकि नंबर परफेक्ट होते हैं। अगर हमने कहा है कोई नंबर 3, तो 3 चीजें ही हैं उसका मतलब, परफेक्ट है वो। फिर सांख्या क्या है? थियोरेटिकल पार्ट है, और योगा इसी चीज का प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है। इंपॉर्टेंट बात, ये गॉड में नहीं मानते हैं, भगवान में नहीं मानते हैं, ये वेदास की सुपरमेसी में मानते हैं। ड्यूलिज्म फिलॉसफी है, दो चीजों के बारे में बात करते हैं, द्वैतवाद की बात करते हैं, कि पुरुषा एंड प्रकृति रियल है। फिर हमने बात करी कि प्रकृति क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रकृति एंड पुरुषा के बारे में। प्रकृति क्या है? मटीरियल कॉज है, नेचर और मैटर है, एटर्नल है, शाश्वत है, अनकॉन्शियस है, अचेतन है और एक्टिव है। फीमेल आस्पेक्ट है, नॉट प्रोड्यूस्ड बट प्रोड्यूसेस, त्रिगुणात्मक है, 3 गुण है इसके, सत्व, रजस, तमस। इसे कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे शक्ति, ब्रह्म, अव्यक्त और जड़। और इसके अलावा क्या है? पुरुषा क्या है? सोल है, सेल्फ स्पिरिट, सुप्रीम स्पिरिट है, इटर्नल है, ये भी प्योर है लेकिन कॉन्शियस है और पैसिव है। मेल आस्पेक्ट है, नोअर है और निर्गुण है, कोई भी गुण नहीं है इसमें, फ्री है कॉज एंड इफेक्ट के चक्कर से। यानी कि अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या है? पुरुष चेतन है, कॉन्शियस है, प्रकृति क्या है? अचेतन है, अनकॉन्शियस है। जब पुरुष के कॉन्टेक्ट में आती है तब इसमें चेतना आती है। जो पुरुष क्या है? ज्ञाता है, जानता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। और प्रकृति क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, किसको जानेगा वो? प्रकृति को जानेगा। पुरुष क्या है? पैसिव है, यानी कि निष्क्रिय है, कुछ नहीं करता है खुद। प्रकृति के जब कांटेक्ट में आता है तब चीजें करता है, सक्रिय है। और पुरुष क्या है? अनेक है, बहुत ज्यादा है, प्लूरल है वो। क्यों? क्योंकि हर सोल अलग अलग है ना, क्योंकि नहीं तो हम एक ही समय पर मरते, एक ही समय पर जीते सब। सब कोई अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, हर किसी के काम करने का तरीका अलग है, भिन्नता है हर किसी में, गुणों की मात्रा अलग अलग है, जो 3 गुणों की बात हमने करी थी, जन्म मरण का समय अलग है। तो इससे ये प्रूफ मिलता है कि जो पुरुष हैं वो अनेक हैं, लेकिन प्रकृति जो है वो एक है। और पुरुष क्या है? भोगता है, इंजॉयर है, और जो प्रकृति है वो भोग्य है, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ इंजॉयमेंट है। पुरुष जो है वो विवेकी है, लेकिन प्रकृति जो है वो अविवेकी है। पुरुष अपरिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है, चंचल है। यानी कि ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक डिफरेंस के तौर पर हम देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या फर्क है। और पुरुष क्या है? निर्गुण है, और प्रकृति क्या है? त्रिगुणात्मक है। पुरुष डिफ्रेंशिएट कर सकता है गुड एंड बैड में, प्रकृति डिफ्रेंशिएट नहीं करती है। प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या कर रहा है या कुछ, वो सबके लिए सेम है, लेकिन पुरुष जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि क्या गलत है क्या सही है। क्योंकि प्रकृति क्या है? फिजिकल एलिमेंट से बनी हुई है, इसको अच्छा और बुरा कुछ नहीं पता है। फिर हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति। क्या रिलेशन है? कि इन दोनों के मिलन से ही यूनियन ऑफ प्रकृति एंड पुरुषा क्रिएट्स लाइफ, जिसे हम इवोल्यूशन बोलते हैं, और इन दोनों के मिलन को गुणाक्षोभ बोलते हैं, जिससे 25 इवोल्यूट्स बने हैं, जो जिसमें पहला क्या है? पुरुषा, और दूसरा क्या है? प्रकृति। इन दोनों के मिलन से ही चीजें बनी हैं, और प्रकृति से ही फर्दर 23 चीजें बनी हैं, जिसमें एक था महत, अहंकार, अहंकार से 3 बने थे सत्व, रजस एंड तमस। फिर सत्व से फर्दर 3 है मनस, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। तमस से 5 तनमत्रास, तन्मात्रास और 5 महाभूतास। तो ये टोटल मिला के 25 इवोल्यूट्स बने थे। एंड देन कंक्लूजन की मोक्ष की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का जो है वो असली मकसद है, फाइनल गोल है, फाइनल डेस्टिनेशन है। और मोक्ष किससे चाहिए? जन्म मरण के चक्कर से, जो हमें छुटकारा मिल जाए। और वो कैसे मिल सकता है? प्रकृति रास्ता दिखाती है, और जब वो मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो पुरुष और प्रकृति का जो रिश्ता है वो खत्म हो जाता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक थोड़ा क्लियर हुआ हो, हालांकि थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है बीएड के हिसाब से समझने के लिए, जब आप एमएड में जाएंगे या फर्दर स्टडीज करते हैं
तो आप अलग अलग फिलोसफीज के बारे में पढ़ेंगे तब ये थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं एक आपको क्लियर कट व्यू दे सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो अपने फ्रेंड्स अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।